वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 12th क्लास के केमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट डेट इज सोल्यूशन चैप्टर में बेंड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बेंड है क्या? एक्चुअल में बेंड ह्यूमन बॉडी के ब्लड में हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन के कारण मेडिकल कंडीशन जो क्रिएट होता है डेट इज कॉल्ड बेंड। बेंड क्या है? तो बेंड इज द मेडिकल कंडीशन। ये मेडिकल कंडीशन है, यानी कि एक डिजीज टाइप का कंडीशन आ जाएगा जिसमें हॉस्पिटल जाना जरूरी पड़ जाएगा ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। बेंड इज द मेडिकल कंडीशन ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। और ये होगा क्या? तो इसका एक्सप्लेनेशन हेनरी लॉ पे डिपेंड करता है। हेनरी लॉ क्या है कि जब किसी गैस का प्रेशर ज्यादा होता है तो वो लिक्विड में ज्यादा डिजोल्व करता है, और प्रेशर कम रहता है तो लिक्विड में कम डिजोल्व करता है। ओके, तो यहाँ पे स्टोरी है स्कूबा ड्राइवर की। ये जनरली स्कूबा ड्राइवर में बेंड पाया जाता है। स्कूबा ड्राइवर यानी कि जो सी वगैरह में बहुत डीप में जाकर के डाइव मारता है, स्कूबा ड्राइवर। तो स्कूबा ड्राइवर जो है, स्कूबा ड्राइवर ये जो ब्रीथ करता है, जब वाटर में इनसाइड में जाकर के ब्रीथ करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि वहां पे प्रेशर जो होता है वो हाई होता है। स्कूबा ड्राइवर ब्रीथ एट हाई प्रेशर। Underwater, ये क्या किया? वाटर के अंदर है और वहां प्रेशर ज्यादा है और उसमें वो ब्रेथ कर रहा है। तो उस कंडीशन में अगर नॉर्मल एयर लेके जाएगा और ब्रेथ करेगा तो नॉर्मल एयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज 78 रहता है। तो वो 78 जो नाइट्रोजन का परसेंटेज रहता है, जब प्रेशर हाई होगा तो हमारे ब्लड में बहुत सारा नाइट्रोजन डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण ड्यू टू हाई प्रेशर सोल्युबिलिटी ऑफ N2 इन ब्लड इंक्रीजेस। ठीक है, तो क्या हुआ? नाइट्रोजन की सोल्युबिलिटी ब्लड में इंक्रीज हो गई, तो ब्लड में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन घुस जाएगा। और जब वही स्कूबा ड्राइवर बाहर आएगा, यानी कि अर्थ सरफेस पे आया, पानी से बाहर आया, तो वहां क्या हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। व्हेन स्कूबा डाइवर कम आउट, फ्रॉम वाटर, तो वाटर से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। द प्रेशर रिड्यूसेस, और ये प्रेशर रिड्यूस जब होगा तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और सोल्युबिलिटी जब घटेगी तो उसमें से नाइट्रोजन ब्लड में से बाहर निकल के, लेकिन बाहर निकल के बॉडी से बाहर नहीं आ पाएगा, वो कैपिलरी में जाम हो जाएगा। यानी कि द प्रेशर रिड्यूसेस, दस N2 रिलीज्ड फ्रॉम ब्लड एंड ब्लड से रिलीज होकर क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा कैपिलरी को, ब्लॉक कैपिलरीज।
तो ये जो कैपिलरी को ब्लॉक करेगा इसी के कारण बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, और इसी प्रॉब्लम को हम लोग इसी मेडिकल कंडीशन को बेंड करते हैं, जो मेनली हुआ किसके कारण, तो नाइट्रोजन के हाई कंसंट्रेशन ब्लड में हो जाने के कारण क्या हो गया, मेडिकल कंडीशन आ गया, यानी कि कैपिलरी का ब्लॉकिंग हो गया, कैपिलरी क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो इससे हमारा मेडिकल कंडीशन आ गया और इसी को कहते हैं बेंड। दिस मेडिकल कंडीशन इज कॉल्ड बेंड। अब ये बेंड से बचने के लिए स्कूबा ड्राइवर एक्चुअल में करता क्या है, तो जो एयर लेके जाता है उसमें हीलियम थोड़ा डाल दिया जाता है। हीलियम डाल देने से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कम हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, तो नाइट्रोजन ब्लड में डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, तो टू अवॉइड बेंड, यहां पे अब बेंड से बचने के लिए क्या करेंगे, टू अवॉइड बेंड्स स्कूबा ड्राइवर use air helium diluted air helium diluted air। अब इस helium diluted air में concentration क्या रहेगा, यानी कि जो air ले जाना होगा उसमें 11.7% जो रहेगा वो हीलियम रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन उसमें जनरली एयर में 78% रहता है, लेकिन यहां 56.2% रहेगा हीलियम, 56.2%, और ऑक्सीजन 32.1% O2 रहेगा। अब इस एयर को जब वो ब्रेथ करेगा, तो चूंकि सॉरी यहां पे नाइट्रोजन होगा, ये नाइट्रोजन है N2, यहां पे नाइट्रोजन क्या हो गया 78 के बदले 56.2 हो गया, तो नाइट्रोजन का पार्शियल, चूंकि अमाउंट कम है, उस परसेंटेज कम है, इसलिए पार्शियल प्रेशर कम रहेगा, और हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग जब पार्शियल प्रेशर कम रहेगा तो वो डिसॉल्व भी कम होगा। तो यानी बेंड क्या हुआ, मेडिकल कंडीशन हुआ ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, और इसमें होता क्या है, ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरीज होता है, किसमें, स्कूबा ड्राइवर में। स्कूबा ड्राइवर जब अंदर जाता है नॉर्मल एयर लेकर के, उससे बचने के लिए क्या करते हैं, तो टू अवॉइड बेंड स्कूबा ड्राइवर यूज हीलियम डाइल्यूटेड एयर, और ये हीलियम डाइल्यूटेड एयर में क्या हो जाएगा, एयर में जो जनरल परसेंटेज होता है उसको हटा दिया, हीलियम डाल दिया 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और 32.1% ऑक्सीजन। ओके, तो ये बेंड में इतना है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।